10 महीने से 10 महीने हुए हैं अभी मेरे। ज्यादा समय नहीं हुआ है, आप अपना मेहनत करते रहिए। ऐसे मैं बाकर से भी चाल लेता हूँ थोड़ा बहुत, बाकी अगर मतलब दो बंदे होंगे तो उनके हाथ पकड़ के भी चल सकता हूँ थोड़ा बहुत। हेलो, हेलो, नमस्कार सर, नमस्कार, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से। बोलिए। सर मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, SCIP पेशेंट हूँ, वीडियो देखता रहता हूँ आपकी, हाँ इसलिए मैंने सोचा चलो फोन करता हूँ। पहले देखी मैंने, कोई 10 मिनट पहले आपकी वीडियो देखी थी, तो इसलिए सोचा हाँ मैं फोन फोन करता हूँ। जो आपने थोड़ी देर पहले डाली थी वो फोटोग्राफ के ऊपर। हाँ जी सर, बोलिए। सर मैं SCIP पेशेंट हूँ, तो इसके बारे में मुझे बताइए, जो हमारे पंजे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वो हिल नहीं रहे हैं, जो उसकी उंगलियां वगैरह जो। उसको कोशिश कीजिए हिलाने का, कोशिश जी सर, कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, किसी तरीके से उसको मूव मूव करेगा किसी तरीके से, तो धीरे धीरे ठीक होगा। जी सर, ये वीडियो में मेरा कोई, मैं पोल से गिरा था, कोई 10 महीने हुए हैं अभी। उसे मूवमेंट का कुछ ना कुछ एक्टिविटी उसमें करते रहिएगा, तब ना आएगा। बाकी मैं चलाना है आकर्षक, आपको, खुद से उसको चलाइए, जी सर, एक्सरसाइज हाँ बात करना है, दूसरा तो कोई विकल्प है नहीं। सर, वो तो मैं करता रहता हूँ। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, नहीं मेरी मतलब नहीं, उंगलियां ऐसे मतलब खुद हिल जाती हैं, पंजा मुड़ जाता है खुद, ऐसे ही मुड़ता है, लेकिन मैं हिलाता हूँ तो हिलती नहीं। हाँ तो आपको सेंस नहीं है वहां पर। हाँ बाकी एक्सरसाइज बाकी तो मैं करता रहता हूँ, जो भी मैं वेट के साथ भी करता हूँ, जैसे लेट के ऊपर उठाना 2 3 4 किलो के साथ कर लेता हूँ, साइड वाला 2 किलो के साथ कर लेता हूँ, लेकिन एक मेरा जो जुरिन, ये दे पेशाब की प्रॉब्लम है, वो रुकता नहीं है, महसूस पूरा होता है, कंडम कैथेटर लगाया है मैंने, रुकता नहीं है, रुकता नहीं है, वो कंडम कैथेटर लगाया है, रुक कोशिश करता हूँ रोकने की, महसूस होता है, रुकता है कई बार, जब ज्यादा प्रेशर प्रेशर से आता है तो फिर नहीं रुकता है। देखिए अभी समय बितने दीजिए, धीरे धीरे होगा, एक्सरसाइज करते रहिए आप, जी सर, एक्सरसाइज करते रहिए, लगेगा मैं सर आपके थोड़ा कोई टाइम लेगा, कोई 9 10 महीने से, 10 महीने हुए हैं अभी मेरे। ज्यादा समय नहीं हुआ है। जी सर, हाँ जो ज्यादा समय नहीं हुआ है, आप अपना मेहनत करते रहिए। ऐसे मैं बाकर से भी चाल लेता हूँ थोड़ा बहुत, बाकी अगर कोई, मैं आपको एक वीडियो बनाई है छोटी सी, मैं आपको सेंड करूंगा, देखना उसको। मतलब दो बंदे होंगे तो उनके हाथ पकड़ के भी चल सकता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ बस प्रॉब्लम एक ही है, जो मेरे पंजे, जो पंजे की उंगलियां हैं वो नहीं हिल रही है। जमीन पर पैर पर रख रहा है ना। हाँ, जमीन पर मैं खड़ा भी हो जाता हूँ, जैसे तो बेड के जैसे ऊपर। आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते चलिए। जी सर, हाँ वैसे ही चलने का प्रयास करते रहिए, वो धीरे धीरे वो पंजा नहीं भी चले, कम से कम चल लीजिएगा तो बहुत बड़ी बात है। जी अब सर, चलने ऐसे चल तो, खड़ा खड़े होने पर, चलने पर जब हो रहे हैं तो फोकस कीजिए उस पर, चलिएगा जी सर, तो धीरे चलो धीरे ठीक हो जाएगा। चलो सर, वो तो कर रहे हैं, मैं सोच रहा था, मैं उंगलियां मेरियां नहीं, जहाँ पंजा नहीं चल रहा है, ऐसे कोई कमजोर भी नहीं हुआ है, जो मेरा पंजा, जहाँ वो पैर है एड़ी के पास से ऊपर से, या मतलब एड़ी तक पता चलता है पंजे में, क्या बोलते हैं उसको, सेंसेशन में नहीं है, बाकी जैसे टेस्ट करे कोई तो पता नहीं चलता है, पंजे में एड़ी तक चलता है थोड़ा बहुत। तो हम क्या कहें कि चल चल रहे हैं ना, तो आप चलने पर फोकस कीजिए, वो हाँ समय समय बीतेगा तब वो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। ऐसा जी नहीं है कि दवा खाए और कल ठीक हो जाएगा। नहीं सर, दवाई, समय बीतने दीजिए, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जैसे जैसे अब वो धीरे 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 ठीक होते ही रहेगा सबके। चलो सर मैं आपको भेजूंगा वीडियो, मैंने एक बनाई थी, बाकी मैं सब, बाकी एक्सरसाइज मैं सब कर लेता हूँ, बाकी कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है, जैस एक्सरसाइज कीजिए, आप मेहनत करना हम लोगों का काम है, और आगे मालिक की कृपा देखिए। बाकी तो सब कर लेता हूँ, लेकिन ये ऐसे मेरा एक पैर है वो ऐसे खुद ही मुड़ जाता है, पंजा उसका मुड़ जाता है हाँ ऐसे, मुड़ जाता है तो पैरालाइज है इसलिए मुड़ जाता है। हाँ हाँ ऐसे जनजनाहट होती है, जहाँ कुछ ऐसा होता है उसको, ये कुछ हो रहा है। पहले वो पैरालाइज है, आपके सेंस में नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं पैर को। तो सर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं अपनी जो मेरे जो, मतलब मेरा लेवल है L1, क्या बोलते हैं उसको, L1D11D12, वो लेवल है मेरा, तो तब तो जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, तब तो
मैं हिल नहीं पाता था, मतलब कोई अपने टांग जो आगे करना या पीछे हलाम नहीं पाता था उसको। अब तो मैं चल सकता हूँ, बाकर से चल सकता हूँ, जहाँ किसी अपना बच्चा बुच्चा हो कोई उसका सहारा लेके चल सकता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझिए कि आप खड़ा हो गए हैं वाकर लेकर के, वाकर के सहारे ही खड़ा हो गए तो समझिए बहुत बड़ी बात है। जी सर। अब आप जब खड़ा हो ही गए हैं और कदम बढ़ा दिए हैं तब आप उसी पर फोकस कीजिए, खड़ा होकर के चलने पर फोकस कीजिए। जो आपने वीडियो डाली थी मैं उसको देख रहा था। चलो मैं बड़े दिन से सोच रहा था चलो मैं उनसे बात करूंगा, आज फिर आपने जो पंजे के ऊपर वीडियो डाली थी मैं उसको देख के मैंने सोचा चलो बात करते हैं। हम भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अचानक से चलने लगे, ऐसे ही कोशिश करते 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 6 साल बीत गया जी है। जी आज आज हमारा जो परिस्थिति है, आज एक समय में पैर जो है सो नहीं उठता था अपने खुद से, जी सर लेकिन आज हम बहुत अच्छा से चल लेते हैं, जी जी मैंने दौड़ भी आपके जाते जितने हैं। जितने सर जितनी भी वीडियो है मैंने आपकी सब देखी है, आपकी देखी है, निखिल सर हैं उनकी देखी है, रितेश तिवारी ये जो लड़का है उनकी भी देखी है, आपको देखी है। हमारे जहाँ हम जहाँ जम्मू कश्मीर एक या ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ से कोई बाजार में जहाँ जहाँ कोई थेरेपी वगैरह जहाँ वो आज तक कुछ नहीं कराया, आपकी वीडियो देखी है, जो भी किया है वो वीडियो देख ही किया है। कहाँ से हैं आप? मैं सर जम्मू जम्मू कश्मीर से, तो वहां से भी गांव में रहते हैं हम, गांव में क्या हो गया था आपको? एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट में सर मैं क्या बोलते हैं इसको बिजली डिपार्टमेंट में जो पीडीडी डिपार्टमेंट में जॉब करता था वो पोल से गिर गया था ऊपर से। पुल पुल से गिर गए, ऑपरेशन हाँ हाँ सर पोल से गिर गया तो फिर फ्रैक्चर हो गया। हुआ है आपको? हाँ हाँ सर ऑपरेशन हुआ है मेरा, 11-12 L1 लेवल है मेरा। 10 महीने हो गए हैं। हाँ हाँ सर अभी 10वां महीना चल रहा है। चलिए बहुत अच्छा रिकवरी आपको ले रहा है, जी सर मेहनत जारी रखिए, धीरे धीरे ले लेगा। जी सर हाँ बहुत अच्छा रिकवर हो रहा है, जी सर वो मेहनत ही आप मेहनत करना शुरू रखिए। को देखिए कोशिश ही रंग लाता है, कोशिश जो नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। नहीं सर मैंने आपकी हाँ वीडियो देखी है, आपकी देखी है, निखिल सर की देखी है, रितेश तिवारी लड़का है उनकी देखी है, जो भी आप तीन बंदों की भी वीडियो देखे मैं जहां तक पहुंचा हूं कि बाकर से भी चल सकता हूं, किसी का हाथ पकड़ के भी चल सकता है, जहां मेरे साथ कोई एक बंदा हो तो एक साइड द्वार हो या द्वार का थोड़ा बहुत सहारा चाहिए तो मैं चल सकता हूँ। चलिए बहुत खुशी की बात है, और एक तरह से हिम्मत, अब तो हिम्मत कुछ और मजबूत हो गया होगा आपका। हाँ जैसे हाँ सर मैं लेट लेट के मैं एक्सरसाइज करता था, अब मैं 4 किलो के साथ ऊपर अपनी जो पैर है उसको उठा सकता हूँ। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अब सीढ़ी, यार पर सीढ़ी पर भी चल सकते हैं, सीढ़ी पर चल सकते हैं पैर रख के। अच्छा सीढ़ी सीढ़ी पर सर अब ट्राई नहीं किया है, सोच रहा हूँ करूंगा ट्राई। ठीक है, धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जी जी सर पहले पहले बराबर जमीन पर ही अच्छा से चलिए। हाँ हाँ सर बाकर से भी चल सकता हूँ, ऐसे जमीन पर भी चल सकता हूँ, जहाँ किसी का हाथ पकड़ के भी चल सकता हूँ ऐसा है, लेकिन मेरे जो एड़ी तक मतलब थोड़ा बहुत मुझे पता चलता है, जो पंजा है उसमें मतलब कोई उंगली से टच करेगा तो पता नहीं चलता है, हिलता भी नहीं है, उंगली हिलती भी नहीं है। चलते आपका चलना शुरू किया है ना, अब धीरे धीरे 2-3 साल बीतेगा उसके बाद पता चलेगा, जी जी ठीक है जी ना। सर अब धीरे धीरे जब खड़ा होकर जमीन पर कदम रख दिए हैं, पैर पर जी आपका शरीर का भार आ रहा है, तो धीरे धीरे बैलेंस खुद ही बना लेगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। हाँ पहले तो मेरे जैसे पूरी जो टांग है पूरी भारी रहती थी, अब मुझे रात को जहाँ दिन में जो भी तकलीफ होती है तो वो उस पंजे में ही होती है, जहाँ थोड़ी बहुत एड़ी के पास होती है वो भारी लगता है, जहाँ उसको उसमें ऐसे लगता है कुछ हो रहा है। वो भारीपन ठीक हो जाएगा, चलते चलते ठीक हो जाएगा भारीपन, जी जी तो सर मसल मसल में जितना उसको चाहिए ताकत उतना बना लेगा, फिर वो अपने आप हल्का होता जाएगा। जी जी सर तो एक दूसरा जूरिन का है वो मैं रोकता हूँ तो रुकता भी है, लेकिन जहाँ CIC करूँ जहाँ क्या करूँ लीकेज हो जाता हूँ, लीकेज हो जाता है, हिलता हूँ जहाँ कुछ। लीकेज होता है तो कंडोम कैथेटर आप लगाए हुए हैं हाँ जी जी सर तो, लेकिन देखिए अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, आप एक्सरसाइज जारी रखिए, मसल जी में थोड़ा ताकत ज्यादा, वो देखिए वो यूरिन का एरिया जो है वो ज्यादा डैमेज होगा, मतलब वहाँ का जो नर्व है वो बहुत ज्यादा दब गया होगा, जी सर इसलिए कनेक्टिविटी नहीं है। जी जी देखिए जी सर आगे समय बीतने पर हो जरूर रुकेगा। जी जी हाँ रुकेगा, चलो सर मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ तो उसके ऊपर ही फोकस किया है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक थेरेपी भी नहीं की है, जहाँ ऐसे जो फिजियोथेरेपी करवाते हैं जहाँ करवानी कहाँ है, जहाँ है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर में, थोड़ा नहीं आपकी आप हाँ
अब आपको उसकी जरूरत भी नहीं है जी जी सर, अब आपको उसकी जरूरत नहीं है और आपको बहुत ही अच्छा रिकवरी आया है और भगवान की कृपा से हम कह रहे हैं कि आप एक साल बाद देखिएगा कि आप कितना अच्छा हो जाएंगे। जी जी सर, जो हमारे डॉक्टर हैं जिन्होंने हमारा अंबर क्या बोलते हैं अंबर सिर पंजाब में मेरा ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने वे चेक वो करते रहते हैं तीसरे चौथे महीने कई बार तो करते, मैं उनको चेक कराता रहता हूँ, तो वो बोल रहे थे कोई थेरेपी की जरूरत नहीं है, आपने जो किया है अच्छा किया है सब। हाँ, मेहनत तो करो। हाँ, आपको कोई अब उस सब की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप ठीक है और आप बस फोकस कीजिए, आप एक्सरसाइज तो करना ही है और जी जी सर, आप खड़ा होकर के चलने पर फोकस कीजिए, आप जब खड़ा हो गए जमीन पर ना कदम जी जी बढ़ा सर, दिए तो अब वो धीरे धीरे खुद ही बना लेगा बैलेंस। जी जी सर, हाँ, अब कोई टेंशन नहीं है और वो सेंसेशन जो कहते हैं वो टच करने पर नहीं पता चलता है, जी जी ये सब हो जाएगा धीरे धीरे, जब 2-3 साल 4 साल 5 साल बीतेगा ना जी तब सर, धीरे धीरे वो होने लगेगा। चलो सर ठीक होना चाहिए, थोड़ा अपना कर अपना जो अपना आपका जो भी खाना पीना नहाना धोना वो कर ले बंदा, तो वो ही सोच रहा हूँ जो मेरे पैर हिल जाएं, जहाँ कुछ हो जाए मेरी उंगली हिल जाए, वो हिल ही नहीं रही है। हिलेगी हिलेगी, अभी वेट कीजिए, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, टाइम लगेगा। ठीक है सर, तो एक वीडियो बनाई है ठीक मैंने, मैं आपको करूंगा सेंड है यही व्हाट्सएप, जी, जरूर कीजिए सेंड। हाँ उसको कर दूंगा सर। ठीक ठीक है है, सर, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद धन्यवाद, ठीक।